अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओह माय गॉड, ये लाइन और ये क्या कर रहे हैं? आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का हमारा टॉपिक है इंट्रक्शन इन द इकोसिस्टम। ओ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। व्हेन यू सब्सक्राइब माय चैनल देन यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियोस दैट आई विल पोस्ट। एंड इफ यू पीपल आर न्यू ओवर हियर देन वेलकम, एंड इफ यू आर नॉट देन वेलकम अगेन। हमारा कौन सा टॉपिक था? मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैन और उसका एनवायरनमेंट कितना प्यारा होता है, उसी चैप्टर का हमारा एक टॉपिक ये है इंट्रैक्शन इन द इकोसिस्टम। ये जो लाइन है ये किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहा है, ओह माय गॉड, ये दूसरे ज़ेब्रास के साथ और ये आपस में भी किस तरह से इंट्रैक्शन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इससे ही रिलेटेड होगा कि इंट्रैक्शन कैसे होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रैक्शन इन द इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर इंट्रैक्शन कैसे होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इंट्रैक्शन इन द इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है, बेसिकली जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, वो कौन सा वाला प्रोसेस करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि एक ने खाया उसको फिर दूसरा खाएगा, दूसरा दूसरा दूसरा, मतलब एक हमारे पास ग्रास होपर है, उससे आगे से किसको खाया, ग्रास होपर ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग को किसने खाया, ये स्नेक, ओह माय गॉड, ये स्नेक खा लिया किसको, फ्रॉग को। तो इसी तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, सर्कुलेशन ऑफ साइकिल, तो ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो कहते हैं इंट्रैक्शन के अंदर भी क्या होता है, ये एनर्जी फ्लो करती है और जो हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ साइकिल है इसके अंदर होती है, और उसके अंदर क्या करती है बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये लाइन, माय गॉड, ये लाइन क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद ईच अदर। ये दोनों लाइन इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये देख रहे हैं आप ये किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो इसकी जो इंटरेक्शन होती है विद ईच अदर उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम देन देयर आर टू इंटरेक्शन। फर्स्ट वन इज इंट्रास्पेसिफिक एंड अनदर वन इज इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक मीन्स सेम स्पीशीज। अब जिस तरह से एक ह्यूमन है दूसरा ह्यूमन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ह्यूमन इंट्रैक्ट करेगा दूसरे के साथ, वो सेम स्पीशीज है, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास इंट्रास्पेसिफिक। और अगर एक हमारे पास स्नेक है, ये स्नेक, ओह माय गॉड, ये स्नेक हमारे साथ अगर इसने इंट्रैक्शन की तो क्या होगा कि ये इंटरस्पेसिफिक होगा, बिकॉज स्नेक और स्पीशीज है, हम और स्पीशीज है। और अगर यही हम बात कर इस लाइन की, तो ये जो लाइन है अगर इसने हमारे साथ इंटरेक्ट किया तो क्या होगा कि मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करना। ओके, तो ये जो लाइन है ना, अगर इसने हमारे साथ इंटरेक्ट किया, कंपटीशन किया, तो हम ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इंटर स्पेसिफिक, बिकॉज के लाइन डिफरेंट स्पीशीज से है, हम डिफरेंट स्पीशीज से है। अब ये क्लियर हो गया ना कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक किसको कहती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन कहती है, कंपटीशन क्यों हम करते हैं, अगर मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कंपटीशन कैसे होता है। एक हमारे पास जब हम क्लासरूम में जाते हैं, मतलब कोई भी सपोज कर लेते हैं क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे चेयर के ऊपर से जो है कंपटीशन हो जाता है, नहीं ये चेयर मेरी है, वो कहते हैं मेरी, जो क्लास वालों या जो भी है वो कहते हैं नहीं मेरी है, मेरी है, मेरी है, तो फिर क्या होता है, कॉम्पिटिशन हो जाता है। ह्यूमन्स और ह्यूमन्स के दरम्यान जो कॉम्पिटिशन होता है वो क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक, और वो किससे होता है, किसी भी सोर्स से होता है, किसी फूड से होता है, स्पेस से होता है। अब जिस तरह से जो स्नेक है, जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशी के दरमियान कंपटीशन होता है उसे हम इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। जिस तरह से ये स्नेक जो है इसका और हमारा इंट्रैक्शन होगा, ये स्नेक, मुझे तो इससे डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्नेक, आई हेट स्नेक, बिकॉज मुझे स्नेक बहुत बुरे लगते हैं, और ऑब्वियसली सबको बुरे लगते हैं, किसको स्नेक अच्छे लगते हैं। तो स्नेक और हमारे दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है वो इंटरस्पेसिफिक होती है, क्यों, बिकॉज जो स्नेक है हम क्यों इंट्रैक्शन करते हैं, क्यों हमारे उनके साथ कंपटीशन करते हैं, बिकॉज अगर हमारे घर में स्नेक आ जाए तो वो क्या है, स्नेक वहाँ पर रहेगा, तो हम कहेंगे नहीं हम यहाँ पर, ये हमारा घर है तुम यहाँ से जाओ, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे, हम कंपटीशन करेंगे ना, स्नेक और हमारा कंपटीशन होगा तो हम जीत जाएंगे, जो जीत जाएगा वो सिकंदर बन जाएगा और जो हार जाएगा वो लूज़र हो जाएगा। तो उस तरह से जो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी होता है, और
सेम स्पीशीज के दरमियान भी होता है। डिफरेंट का मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट को इंटरस्पेसिफिक कहते हैं, और जो हमारे पास सेम है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रास्पेसिफिक। और अगर हम देखें, ये मैंने आपको बता दिया लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से करते हैं, फूड की वजह से, वाटर की वजह से, और स्पेस की वजह से, खाने के लिए करेंगे या फिर वाटर के लिए, स्पेस। जिस तरह से लाइन है, लाइन अब जेब्रास को मारता है तो वो उसको क्यों मारता है, बिकॉज के वो उसको फूड चाहिए होता है, तभी वो उसको मारता है। ओके, तो वो उसको फूड या फिर चाहिए होगा, या फिर स्पेस रहने की जगह, या फिर वाटर उसे चाहिए होगा, इस तरह। और अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक की, तो वही मैंने आपको बताया कि इंट्रा और इंटर के अंदर क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास प्रे है, एक भी यहाँ पर भी एक बात क्लियर करती जाऊँ कि हमारे पास जो प्रेडेटर और प्रे है, प्रेडेटर कहते हैं शिकार करने वाले को, प्रे कहते हैं उसका जो खाना बनता है। जिस तरह से अगर लाइन हमारा शिकार करे तो प्रेडेटर, लाइन क्या हुआ, प्रेडेटर, हम उसका क्या हुए, खाना। ओके, हम प्रे हुए। तो इस तरह से प्रेडेटर और प्रे का क्या मीनिंग है। अब जिस तरह से मैंने आपको बता दिया लाइन जेब्रास को ऊपर किस तरह से अट्रैक्ट करता है, ये देख सकते हैं आप, ये लाइन किस तरह से आ रहा है मजे मजे से, तो वो जेब्रास के ऊपर अट्रैक्ट करके उसके ऊपर क्या करेगा, उससे खाना ले लेगा। और कभी कभी तो किससे, ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं सनलाइट की वजह से, और सनलाइट की वजह से ही करते हैं, और सॉइल की वजह से, मतलब सनलाइट यूज़ करने के लिए, या फिर और जितनी मैंने आपको बताया कि फूड के लिए, स्पेस के लिए, और किसके लिए, वाटर के लिए, और रहने की जगह के लिए, ये एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। ओके, एंड कहते हैं कि जो हमारे पास कंपटीशन है, कंपटीशन हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस। ये हमारे पास किस में मदद करता है, बैलेंस करने के लिए, किसको, रिसोर्सेज को, कौन सी रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज जो हमारे पास वसाइल है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, और साइज ऑफ पॉपुलेशन, और आबादी के बढ़ने। अगर हमारे पास जो है लाइन ना होता, लाइन अगर जो हमारे पास हिरन है उसको ना खाता, तो पूरी दुनिया में हिरन ही हिरन होते। तो इस तरह से क्या है कि उसको रिसोर्सेज के लिए वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, और पॉपुलेशन को भी। अब हिरन जो है उसको लाइन खा लेता है, तो उसकी जो हमारे पास उसकी क्वालिटी है, या उसका हमारे पास जो क्वांटिटी है, सॉरी, तो वो क्या है, एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन है। ओके, और जो हमारे पास वन स्पीशी इज एबल टू यूज रिसोर्सेज, एक स्पीशी क्या करती है, उस की रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करती है एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, जबकि जो अदर है वो उसको लेस यूज़ करती है। ओके, जब वो उसको लेस यूज़ करती है तो वो वीकर स्पीशी होती है, और इस तरह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट रिडक्शन इन साइज, उसका साइज में भी रिडक्शन आ जाती है, और बिकॉज दिस इज़ अ वीकर स्पीशी, एंड जो उसकी पॉपुलेशन है उसको भी एलिमिनेट कर देती है, किस तरह से, उसको शिकार बना के खा के। और ये जो हमारा जो लाइन है, ये लाइन आपको कह रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब माई चैनल देन यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई वीडियोज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस होल टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।